हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेपी पावर लिमिटेड के ऊपर। जी हाँ, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा। पहली रिक्वेस्ट, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक है, लिंक को क्लिक करिए, अपस्टॉक में अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन कराइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के अंदर आप फ्राइडे के दिन सिचुएशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। इस आग लगने के पीछे का क्या कारण है मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी आपको मैं बताऊँगा। देखिए, अगर हम फ्राइडे की बात करें तो 5.05 के ऊपर ओपन हुआ। लगभग पहले वाले दिन थर्सडे वाले दिन देखें तो 4.60 की क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं 45 पैसे की गैप अप ओपनिंग होती है और वहां से 4.35 का लो भी बनाता है। आप देख सकते हैं पूरे इंट्राडे में 4.35 का लो और फिर 5.05 का हाई बनाता है और 5.00 के ऊपर ही आकर के क्लोज भी हो जाता है। लगभग 8.70% का अपर सर्किट लगा यहाँ पे। टोटल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, अभी तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 42,62,11,649 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पर डिलीवरी है 56% के आसपास की। BSE के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5.15 के ओपन प्राइस के बाद 4.35 का लो और 5.15 का हाई, 5.15 की ओपन प्राइस है वही उसका हाई है। राइट, अगर हम देखें यहाँ पे तो BSE के ऊपर अगर इसने देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया 12,02,69,519 और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है 54.63% की। आप देख सकते हैं 4.95 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 5.54% का यहाँ पे भी अवर सर्किट लगा हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों है, क्या कारण है इसका। देखिए, कंपनी के अंदर अब धीरे धीरे सुधार आता लग रहा है, धीरे धीरे सिचुएशन सुधर रही है। जेपी ग्रुप की सारी कंपनियों के अंदर लगभग हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और बहुत रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी है। छोटी मोटी तेज़ी नहीं है, यह आधी इतनी तेज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जेपी पावर को देखिए, जेपी इंफ्रा को देखिए, जेपी एसोसिएट्स को देखिए। अच्छा, इस कंपनी की मार्केट कैप देखें तो आज की डेट में देख सकते हैं 3,392 करोड़ हो चुकी है। बहुत बड़ी चीज़ है। इस कंपनी ने अभी तक 52 लो बना रखा है 1.16 का और हाई है 5.15 का। रिटर्न परसेंटेज आप देख सकते हैं अमेजिंग है। लेकिन अब चलिए बात करते हैं सीधे सीधे शॉर्ट में कि इसके अंदर इतनी तेज आग क्यों लगी हुई है। तो गाइस, जेपी पावर वेंचर लिमिटेड के अंदर आग लगने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है गाइस कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है 14 जून 2021 को। आज 12 तारीख है, 13-14 संडे है, 13 को, 14 को मंडे है। मंडे को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा और भी कुछ चीज़ें अगर होगी तो अनाउंस करी जाएंगी। ये तो पहली अपडेट है जिसको लेकर के इसमें एक्साइटमेंट लोगों का बना हुआ है। दूसरी अपडेट ये है गाइस कि इस कंपनी के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है। आप देख सकते हैं इतनी जो ज़बरदस्त आपको आग लगी हुई दिखाई दे रही है ना, इसके पीछे कारण ये है कि JSW एनर्जी लिमिटेड की तरफ से कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग करी गई है। आप देख सकते हैं 17,09,69,999 शेयर्स की, राइट, 11 जून 2021 को, यानी फ्राइडे को। और ये लगभग अगर आप देखें तो पोस्ट ट्रांजैक्शन इसकी जो होल्डिंग हो जाती है कंपनी के अंदर, JSW एनर्जी लिमिटेड के अंदर, 2.64% की, यानी 18,07,99,547 शेयर्स अभी भी ये ओन करता है इसके अंदर, राइट। तो गाइस, ये अपडेट है जो कि मार्केट में, ओपन मार्केट में इन्होंने किया और ये डिस्पोजल किया, एक्शन लिया गया डिस्पोजल मतलब होता है अपने शेयर्स को डिस्पोज कर देना, हटा देना, बेच देना, समझ रहे बात को। इसके अलावा देखें गाइस तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग में ये तो बल्क डील हो गई, बल्क डील ही मैंने आपको बताया। अब जरा इसके अंदर आप बल्क डील इनसाइडर ट्रेडिंग थी, अब बल्क डील अगर देखें इसके अंदर
तो एडिशनली आप देखिएगा यहाँ पे एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से करी गई है 11 जून 2021 को, और इन्होंने बाई करा है, और इनकी जो एवरेज प्राइस है 4.80 पर शेयर है, और टोटल क्वांटिटीज इन्होंने जो बाई करी 42 करोड़ 1 लाख 4 करोड़ 21 लाख 48,207 शेयर्स की, राइट। और जिसके चलते आप देख सकते हैं, इसके अलावा एड्रॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज ने 11 जून 2021 को बल्क में सेल भी किया था, और सेल करने वाली जो टोटल क्वांटिटीज यहाँ बताई जा रही है 4 करोड़ 28 लाख 71,638, जो कि एवरेज प्राइस है 4.81, राइट। इससे पहले 9 जून को सेल करा गया था JSW एनर्जी लिमिटेड। तो कुल मिला जुला के ओवरऑल अगर हम कहें तो इसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग और बल्क डील जैसी सिचुएशन चल रही है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अंदर जो आपको उछाल दिख रही है ना, इसके बड़ा सबसे बड़ा कारण ये कि ये भी है। इसके अलावा आपको 14 जून के लिए तैयार रहना है, 14 जून को जो भी अपडेट आएगी उसका इम्पैक्ट हमें इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा JP ग्रुप के अंदर आपको बताना चाहूँगा, यही इनसाइडर ट्रेडिंग और बल्क डील JP एसोसिएट्स के अंदर भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा गाइस अगर आप देखें तो JP इंफ्रा इनके ग्रुप की एक कंपनी है, जिसके अंदर आपको पता है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और NBCC की आपस में कॉम्पिटिशन चल रहा है इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई सक्सेसफुली इसको एक्वायर कर लेगा, राइट। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इसमें अपर सर्किट लग रहा है, इतनी ज़बरदस्त आग लगी हुई है। हालांकि फ्राइडे को देखा होगा आपने, गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद ऊपर नहीं गया था क्योंकि ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग हो चुकी थी, वहाँ से नीचे आता है फिर वापस रिकवर कर जाता है, यानी वी शेप बनाता है, वी शेप समझ रहे ना, नीचे गिरता है फिर धीरे धीरे ऐसे एक्वायर कर लेता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर टोटल डिलीवरी परसेंटेज NAC/BSE का मिला करके, तो आप देख लीजिए, ये पता होना आपको ज़रूरी है, 11 जून 2021 को 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे 546.48 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, और जिसमें से टोटल डिलीवरी परसेंटेज है 32.8%, यानी ड्रॉप इन डिलीवरी हमें देखने को मिली है प्राइस के राइज होने से, एंड ड्रॉप परसेंटेज है 8.7% का, क्योंकि इससे पहले 10 जून को जो डिलीवरी डेटा था 70.3% थी, देख सकते हैं उसमें हमें 9.5% का जंप देखने को मिला था। देखिए एडिशनली तीसरी खबर ये हो सकती है गाइस कि पावर सेक्टर के लिए, आपको अच्छे से पता है पूरी जितनी भी पावर सेक्टर की कंपनीज हैं सभी के अंदर आप देख सकते हैं इस समय आग लगी हुई है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि पावर सेक्टर को सरकार जो है काफ़ी सपोर्ट करना चाहती है, और पावर सेक्टर की डिमांड थोड़ी बढ़ती हुई नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं COVID-19 की वजह से हट रहे हैं, और COVID-19 की वजह से जब रिस्ट्रिक्शंस हटेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में डिमांड आएगी पावर की, और पावर की डिमांड आएगी तो इन कंपनियों को सप्लाई करने का मौका मिलेगा जिससे इनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, राइट। तो ये भी माइन्यूट कारण हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं जो पब्लिक डोमेन में शायद ना हो अभी, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप सिंपल तरीके से इसे लाइक कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके लिए, लिंक को क्लिक करें और अब स्टॉक में अकाउंट चाहें तो ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस अपडेटिंग समथिंग न्यू विद नेक्स्ट कॉन्टेंट, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।